सत श्री अकाल दैनिक उजाला टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं दविंदर को लेके हाजिर हाँ जी मुख खबरों से। सब तो पहले नजर मारते हैं कुछ खास खबरों से। सुखबीर सिंह बादल ने बंदी सिंह की रिहाई को लेके दिया ए बयान। पंजाब सरकार का अहम कदम, हुण लोक अधिकारियों को नहीं अधिकारी लोगों को आके करेंगे मुश्किलों का हल। अजनाला पुलिस ने अमृतपाल सिंह और उनके साथियों खिलाफ की दर्ज FIR। प्रसिद्ध अदाकार अमृतपाल छोटू का होया देहांत। तुर्की और सीरिया में मरण वाले की गिनती पहुंची 41,000 तो भी पार। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले में मान सरकार की वड्डी कार्रवाई। उबलते पानी में डिगण कारण 2.5 साल बच्चे की हुई मौत। विरसा सिंह पर 2-6 साल पुराने केस चो हुए बरी। भुजाल के झटके नाल कंबिया जम्मू कश्मीर। आप विधायक के PA नूं रिश्वत लेंदिया किया गया काबू। ते हुण खबरां विस्थार नाल। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि आप बंदी सिंह गुरमीत सिंह इंजी और भाई दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई रोक रही है। उन्होंने पंजाबियों को अपील की है कि वह बंदी सिंह की रिहाई वास्ते चलाई जा रही हस्ताक्षर मुहिम 18 फरवरी तो पिंडा चलाने पूरा डटवा समर्थन दे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार लोगों को हर तरह की सहूलतें देने विच वचनबद्ध है, जिसलिए पंजाब सरकार वालों पूरे सूबे इस उपराले को शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के सुविधा कैंपा डिप्टी कमिश्नर SDM तो इलावा समूह विभागों के अधिकारी लोगों तक पहुंच करके उन्होंने समस्यावां सुन के उन्होंने हल करेंगे। अजनाला पुलिस ने एक नौजवान अजनाला तो अगवा करके उसकी कुटमार करने के दोष च बारिश पंजाब के जथेबंदी के मुखी अमृतपाल सिंह खालसा के उसके साथियों खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस संबंधी जानकारी देते हुए DSP संजीव कुमार ने दसा कि उन्होंने इतलाह मिली कि वरिंदर सिंह नाम के व्यक्ति की कुटमार की गई। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी सब तो वड्डी खबर सामने आई है, जिस विच मशहूर अदाकार अमृतपाल छोटू का देहांत हो गया। इस गल की जानकारी पंजाबी फिल्म एंड टीवी एक्ट्रेस एसोसिएशन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साझी की। हालांकि उनकी मौत का की कारण है इस बारे कोई जानकारी सामने नहीं आई। भारत समेत दुनिया भर तो तुर्की पहुंचे बचाव दल कड़ाके की ठंड में लगातार लोगों को लभन च लगे हुए हैं। दस दिए कि तुर्की सीरिया में भूचाल कारण मरण वाले की गिनती 41,000 तो भी पार हो चुकी है। मरण वाले की गिनती होर बढ़ सकती है क्योंकि मलबे को हटाने का काम हाले तक पूरा नहीं होया। इस दे नाल ही भूचाल तो बाद बेघर हुए हजारों लोगों में कई हाले भी बुनियादी लोड़ां पूरियां करने लई संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब की मान सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर वड्डी कार्रवाई की है। पंजाब सरकार ने 39 करोड़ रुपए से SG पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले में शामिल पाए गए 6 अधिकारियों बर्खास्त कर दिया। इन्हों 4 अधिकारी समाजिक न्याय अधिकारिता और घट गिनती विभाग में काम करते सन, जबकि 2 वित्त विभाग में काम करते। पाल दे थाना मलौद अधीन पेंदे पिंड रोसियाना विच 28 साल बच्चा उबलते पानी विच डिग गया ते इलाज दौरान उसकी मौत हो गई। दस दिए कि मनवीर सिंह की मां अपने बच्चे नु नहाउण लई बाल्टी विच बिजली दी राड नाल पानी गर्म कर रही सी। पानी गर्म होने मगर वह बिजली दी राड कमरे च रखन चले गई। इस दौरान मनवीर सिंह उबलते पानी विच डिग पिया, उसनु गंभीर हालत विच हस्पताल लिजाया गया अते इलाज दौरान उसकी मौत हो गई। तरन तारण अदालत ने श्रोमणी अकाली दल के सीनियर नेता विरसा सिंह बलटोहा 6 साल पुराने केस विचों बरी कर दिता। विरसा सिंह बलटोहा बरी करन उत्ते उन्होंने समर्थकों में भारी खुशी पाई गई। राष्ट्रीय भूचाल विज्ञान केंद्र मुताबिक जम्मू कश्मीर के कटरा च अज सवेरे भूचाल के झटके महसूस किए गए। दस दिए कि रिक्टर पैमाने 3.6 की तीव्रता वाला भूचाल रिकॉर्ड किया गया, भूचाल की डूंगाई 10 किलोमीटर तक दर्ज की गई। बठिंडा दिहाती तो आम आदमी पार्टी के विधायक का प्राइवेट निजी सहायक रशीम गर्ग वासी समाणा जिला पटियाला 4 लाख रुपए की रिश्वत लेंदे रंगी हत्थी काबू कर लिया गया। दस दिए कि रिश्वत आप विधायक के PA रशीम गर्ग ने पिंड गुड्डा की पंचायत के बिल पास करवाने के बदले ले सी। इस अज दी मुख खबरां वधेरे जानकारी लई जुड़े रहो दैनिक उजाला दे नाल।